A slow chemical reaction takes place in a fluid at the constant pressure of 0 0.1 MPa. The fluid is surrounded by a perfect heat insulator during the reaction, which begins at state 1 and ends at state 2. The insulation is then removed, and 105 kJ of heat flow to the surrounding as the फ्लूड गोज टू दी द फ्लोइंग डाटा आर एब्जॉर्व फॉर द फ्लूड एट स्टेट एंड थ्री स्टेट डे क्वेश्चन बोल रहा है क्या है इसमें फ्लूड है इस चेंबर के अंदर जो है इस जो फ्लूड है जो कि इसके इंसुलेटेड कर दिया गया सबसे पहले स्टेट वन है स्टेट स्टेट वन है ठीक है क्वेश्चन बोल रहा है कि जो भी फ्लूड है इसमें फ्लूड है वह कांस्टेंट प्रेशर पे फ्लूड जो है फ्लूड जोता है कांस्टेंट प्रेशर पे इसमें क्या होता है स्लो केमिकल रिएक्शन हो रहा है जब स्लो केमिकल रिएक्शन हो रहा है जाहिर सी बात है कि इसकी मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते होंगे तो इसकी जो भी टेम्परेचर वो इंक्रीज करता होगा टेम्परेचर इंक्रीज करता है करता होगा तो क्या होता है यह है कहीं इस स्टेट पे पहुंच गया टू स्टेट पे पहुंच गया स्टेट टू पे लेकिन बाहर से हीट इस सिस्टम में नहीं जा रहा है बाहर सिस्टम नहीं जा रहा है क्योंकि इसकी सिस्टम को हम इंसुलेटेड कर दे रहे हैं तो मुझसे पूछा है कि मुझसे पूछा है कि फॉर द फ्लू फ्लूड सिस्टम कैलकुलेट ई टू एंड ई थ्री इफ ई वन इज कल टू जीरो मतलब मुझे इंटरनल एनर्जी टू का टू स्टेट पे और थ्री स्टेट पे और ई e स्टेट पे जीरो है ठीक है तो देखिए सबसे पहले मुझे क्या फाइंड आउट करना है वन से टू में वन से मैं स्टेट वन पे था जब इसमें क्या हुआ था स्टेट वन पे थे और टू केमिकल स्लो केमिकल रिएक्शन होता है जिसके कारण इसके अंदर जो होता है क्या बढ़ रहा था हीट जो भी मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे थे मॉलिक्यूल कोलाइड कर जाहिर सी बात है इसकी जो वॉल्यूम जो होता है इंक्रीज करेगा ठीक है वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो मुझे पूछ रहा है अब यू का इंटरनल एनर्जी क्या होगा ई स्टेट पे इंटरनल एनर्जी क्या होगा ठीक है तो हम इसके लिए फर्स्ट लॉ फॉर है तो स्टेट वन स्टेट वन से टू के लिए लगाएंगे स्टेट वन से टू के लिए लगाएंगे देखिए जब स्टेट वन से टू के लिए लगाएंगे तो मुझे क्या होगा तो इसमें इज कल टू जो है डब्लू प्लस कहाँ से फाइनल कौन होगा ई टू से ई वन फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे तो क्यू देखिए क्यों क्यों क्यू जीरो क्यों होगा क्योंकि ये इंसुलेटेड है और इंसुलेटेड बाहर से तो हीट इसमें आएगा नहीं जिसके कारण और, और अंदर से बाहर जाएगा नहीं तो वहीं हीट ट्रांसफर जो था जीरो हो गया और w, तो डब्लू देखिए तो डब्लू ये भी जो प्रोसेस हो रहा है जो इसमें केमिकल स्लो केमिकल रिएक्शन हो रहा है वह कंस्टेंट प्रेशर पर हो रहा है तो कॉन्स्टेंट प्रेशर पर वर्क ट्रांसफर होता है पी इंटू वी टू माइनस वी वन प्लस ई टू ई टू और ई वन की वैल्यू पहले ही दे दिया गया ई वन की जीरो है ओके तो ई वन इक्वल टू जीरो हो गया तो जीरो इक्वल टू पी कितना है जीरो पॉइंट वन ये मेगा पासकल है इसको मेगा पासकल को किलो पासकल बदलने के लिए टेन टू पावर टेन टू पावर थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे जब टेन टू पावर थ्री टेन थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किलो पासकल हो जाएगा और भी टू कितना है वी टू ऑलरेडी दिया दिखे भी टू जो होता है हमारा दिया है जीरो पॉइंट थ्री से माइनस जीरो पॉइंट जीरो थ्री प्लस ई टू ओके जब इस वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा ई टू स्कल टू कितना आ जाएगा माइनस ऑफ टू ट्वेंटी नाइन पॉइंट सेवन किलोजूल इससे क्या नेगेटिव साइन से क्या मालूम चलता है नेगेटिव साइन से मुझे मालूम चल रहा है कि इसमें जो सिस्टम के जब स्टेट वन से स्टेट टू में जा रहा है तो उसकी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रहा है ठीक है ई टू का वैल्यू पता चल गया अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है E3 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है ठीक है अब जो है हम क्या करें देखिए क्या होता जब जब हम टू पे थे यहाँ पे थे टू स्टेट स्टेट टू पे थे लेकिन स्टेट टू पे थे लेकिन क्या हुआ कि उसके बाद मैंने क्या क्या इंसुलेशन को हटा दिया इस इंसुलेशन को जब हटा दिए तो हीट जो था अब बाहर इससे निकलेगा ठीक है और इसकी वैल्यू जोता है आपको वन ज़ीरो वन ज़ीरो फाइव है जो कि वन जीरो फाइव किलोजूल हीट सिस्टम से रिलीज होगा और स्टेट थ्री कहीं आ जाएगा यहाँ आ जाएगा स्टेट थ्री आ जाएगा यहाँ पे ठीक है इससे हीट रिलीज होगा तो इसके लिए हम लगाएंगे जो तो है स्टेट जो भी क्या चीज फर्स्ट ऑफ थर्मेडमी फॉर ए प्रोसेस के लिए तो कितना हो जाएगा क्यू स्कल टू डब्लू प्लस यू थ्री माइनस यू टू ई टू ठीक है क्यू तो इसमें क्यू सिस्टम से बाहर हीट निकल रहा है तो सिस्टम से जब हीट रिलीज होता है तो मीन्स इसे हम नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते वन जीरो फाइव इक्वल टू डब्ल्यू तो W W इजल टू पी तो पी इंटू वी टू माइनस भी वन हो गया प्लस ई थ्री कितना है ई थ्री को मुझे फाइंड आउट करना है ई टू कितना होगा माइनस ऑफ ट्वेंटी नाइन पॉइंट सेवन किलोजूल हो गया जब इतना हो गया तो यह देखिए माइनस ऑफ वन जीरो सेवन और पी हो गया जीरो पॉइंट वन और इसको टेन पावर थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किलो पास्कल और भी टू कित भी वी टू भी थ्री होगा सॉरी यहाँ पर भी थ्री भी थ्री और यहाँ पर भी टू हो जाएगा ठीक है भी थ्री कितना दिया है आपको भी थ्री दिया है देखिए जीरो पॉइंट सिक्स जीरो पॉइंट जीरो सिक्स है और भी टू कितना है जीरो पॉइंट थ्री है ठीक है जीरो पॉइंट जीरो सिक्स माइनस जीरो पॉइंट थ्री ओके प्लस ई टू प्लस ट्वेंटी नाइन पॉइंट सेवन ओके जब इस सारे चीज को वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो मुझे आ जाएगा ई थ्री इज टू नेगेटिव ऑफ आ जाएगा इलेव वन वन जीरो पॉइंट सेवन किलो जूल आ जाएगा किलो जूल मीन्स थ्री भी हमारा नेगेटिव है मीन्स क्या हो गया कि इस समय भी हमारे सिस्टम की इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रहा है थैंक्स